अस्सलाम वालेकुम जैसे उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार आज जो मैं आपके पास टैबलेट लेके आया हूँ इसका नाम है बायो कम्बिनेशन 20। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे, इससे क्या यूजेज़ हैं, इससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, डोजेज फॉर्म के बारे में बात करेंगे। यार सबसे पहले अगर हम इसे यूजेज तरफ आए ना, किस पर्पज़ से ये टैबलेट यूज़ होती है, यार स्किन की जितनी भी डिजीज़ है ना उसके लिए ये बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप जिसम पे ख़ारिश वगैरह से प्रॉब्लम कर रहे हैं, जिसे जल्द में मतलब आप इतना ख़ारिश देते हैं कि वो फट जाती है जल्द जो है आपकी, मतलब ठीक है, रैशेज वगैरह आपके फट जाते हैं, तो यार ये बेस्ट टैबलेट है, आप इसे यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, अगर आप ये मतलब इन्फेक्शन वगैरह, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाते हैं तो उस पर्पज़ के लिए भी आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी टैबलेट है, हाँ ईजिली आपको हर होम्योपैथी स्टोर पे भी मिल भी जाएगी, क्योंकि यार ये बनाई इसी कॉम्बिनेशन भी इसी तरह की है कि ये क्या करती है, ये आप जिसम पे जो भी मतलब ख़ारिश वगैरह वाला जो मतलब प्रॉब्लम चल रहा होता है उससे सॉल्व आउट करती है। फिर उसके अलावा जो इन्फेक्शन वगैरह आपकी बॉडी पे हुए होते हैं तो उस पर्पज़ के लिए भी इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। अगर हम इससे डोजेज फॉर्म के बारे में बात करें ना, इससे क्या डोजेज फॉर्म है, आपने किस तरह इसे लेना है, पहली बात तो ये ओरली टैबलेट है, दूसरी बात ये है कि ये आपने दिन में दो बार आप इस टैबलेट को ले सकते हैं आराम से, आप मतलब इसे आप बेशक दूध के साथ ले लें या पानी के साथ ले लें कोई इशू नहीं है, बेस्ट टैबलेट है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जब इसका जो आपने रूटीन बनानी है ना उस हिसाब से चलना है, अगर आपने सुबह के टाइम में टैबलेट लिया है तो शाम के टाइम में टैबलेट ले लें और अगले दिन भी ऐसे ही देना, ये नहीं करना आपने कि अगर एक टाइम आपने टैबलेट नहीं ली तो दूसरे टाइम आप दो टैबलेट ठीक ले लो तो वो फिर आपके साइड इफ़ेक्ट्स में आ जाएगा। अगर अब हम बात करें से साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो जब साइड इफ़ेक्ट्स यही है ज़्यादा आप ये नौजिया और स्टमक अपसेट का प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत भी अगर बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन ये भी बहुत रेयर है। अगर आप इसे प्रॉपर इसी डोजेज फॉर्म मेंटेन रखेंगे तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर आप डोजेज फॉर्म तो ओवर डोज की तरफ ले जाओगे तो लाजमी बात है हर चीज़ आपको पता है साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। वरना इतना खा मैंने वही बोला होम्योपैथी थे, होम्योपैथी जो है ज़्यादातर मशहूर ही इसीलिए है तो इससे साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं होते। उम्मीद करता हूँ आप तो वीडियो का अगर भी पसंद आया, उधर पसंद आया तो इस वीडियो से लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जज़ाकअल्लाह।